सीजन 6 है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है. मेरे लिए ये पहली बार है, मैं पहली बार जज बन रही हूँ, तो ऑफकोर्स नर्वसनेस भी है, एक्साइटमेंट भी है, और कोशिश भी है कि इस बार मेरे काम से इंडिया खुश हो और मैं उतने अच्छे डांसिंग स्टार्स दे पाऊँ, एक्ट्स अच्छे हों, ताकि DID को हम उस लेवल पे देख पाएँ सीजन 6 के लेवल. वी नो दैट DID इज़ द ओरिजिनल डांस रियलिटी शो और हम हमेशा उसमें अच्छे डांसर्स लाए हैं. तो पहले जो भी यहाँ आया है वो पहले आया है, बाद में वो आगे बढ़कर दूसरी जगह पर गया है. तो मैं समझता हूँ डांस का जो फाउंडेशन है वो DID है. सो दैट्स वाई हमको उसका कोई डर या ऐसा नहीं है कि दूसरे भी शो हैं. हम हमारा बेस्ट करते हैं, हमारा बेस्ट देते हैं और लोगों को बेस्ट लगता है. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा ये थर्ड सीज़न है. सो और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मिनी है यहाँ. मर्जी को मिस कर रहे हैं हम आज यहाँ, पर हम बहुत 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 एक्साइटेड है. पौधा देखिए ये जो है ना, ये हम दोनों को करण अर्जुन बोलती है कि मेरे करण अर्जुन जाओ डांस करो, मेरे करण अर्जुन जाओ ये करो. तो वो मस्ती हमेशा रही है. हम लोग ने मिनी से ज़्यादा मैंने इतना इंटरेक्ट कभी फ्यूचर में नहीं, पास्ट में नहीं किया है. लेकिन जब शो पे हम बैठे तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम अभी अभी मिले हैं. और आप देखोगे शो तो आपको लगेगा कि यार ये लोग तो बरसों पुराने दोस्त हैं. और बस यही दुआ है कि हमेशा दोस्त रहें, दोस्त है, हाँ. और डांसिंग को आगे बढ़ाएं, चाहे किसी का भी कंटेस्टेंट जीते पर सबका दिल जीते, यही हमें कोशिश है. बताइए डांस इंडिया डांस में हर कंटेस्टेंट को हमने यही टिप दिया है कि अपने पैशन को पूरा करें, अपने इस पैशन की तरफ डेडिकेटेड रहे और डांस को ही अपना सब कुछ मान के चले. क्योंकि अगर वो लोग यही मान के चलेंगे तो वो आगे जाके डांसिंग स्टार बनेंगे. तो यही हमारी एडवाइस रही है. और मेहनत करें बहुत ज़रूरी है. पूरे इंडिया का नज़र रहती है कि भाई कितना अच्छा कर रहा है, फिर यहाँ से ही आगे बढ़ता है. गांव गांव में, शहर शहर में, यहाँ तक कि बाहर देशों में भी लोग DID देखते हैं. और लोग हमेशा यही सोचते हैं कि इस बार अभी कौन आएगा, वो कौन सा डांसिंग स्टार है जो इस बार स्टार बनने वाला है. तो सबकी नज़र है, तो हमारे डांसिंग स्टार्स भी तैयार हैं. हाँ, और हमारा भी उसमें टेस्ट है. हम सिर्फ हम बच्चे नहीं, हम भी हैं कि ये कोरियोग्राफर फला कोरियोग्राफर आया जज कर रहा है, फला कोरियोग्राफर आई है जज करिए, तो उसकी भी कैपेबिलिटी जज काउंट हो जाती है. तो हम भी बहुत डरे हुए रहते हैं, मेहनत करते हैं. अरे एक्चुअली मैंने हमेशा जितने भी DID के सीजन्स किए हैं तो मैं ग्रैंड मास्टर के साथ कोऑर्डिनेट करती थी, उनके साथ इंटरेक्ट करती थी. बट इस बार जो मैं पैनल में आई हूँ और मास्टर मिनी बनकर आई हूँ, तो हमेशा वो डर बना रहता है कि जो कमेंट्स हम देते हैं या जो जजमेंट हम लोग करते हैं, ग्रैंड मास्टर भी उनसे सहमत है कि नहीं है. अभी तक के तो लकी रहे हैं कि सहमत ही रहे हैं. जिस दिन मास्टर गुस्सा हो, ग्रैंड मास्टर गुस्सा हो जाए, हम सबकी खैर नहीं. इनका क्या है, एक रिस्पेक्ट वाला रिलेशन है और हमेशा वो बहुत इनको पसंद करते हैं. और मैंने देखा कि सारे एपिसोड्स में भी बहुत ही वॉज लाइकिंग हर. तो एक अच्छा रिस्पेक्ट वाला रिलेशन है. मेरा तो मतलब फुल मस्ती वाला है और वो मुझे डांटते भटकाते रहते हैं. मर्जी का भी वैसे ही है. मर्जी का मोर एज अ फ्रेंड है, मेरा एज अ फादर फिगर ऑल्सो फ्रेंड ऑल्सो बहुत है. तो मतलब तीनों से बहुत अच्छा हमारा कनेक्शन है. और हम तो ऑब्वियसली ग्रैंड मास्टर है, मिथुनदा है, तो हम डांस के लेजेंड हैं. तो हमको तो हमारे लिए सबसे खुशकिस्मती की बात है कि वो हमारे साथ है. Hi, this is Jia Manik. You're watching me on GlitzVision. Please subscribe to GlitzVision.